रेव पार्टीज में स्नेक वेनम सप्लाई करने के एलिगेशन को कन्फेस करके एल्विश यादव ने अपनी जगह उन 16 मिलियन फॉलोअर्स के दिल की तरह अब जेल में भी बना ली है। एल्विश यादव, ये वही नाम है जो सिस्टम हिलाने की बातें करते हैं, पर हाल ही में हालात कुछ ऐसे बदले हैं इनके लिए कि इनका खुद का सिस्टम हैंग हो चुका है। क्या है ये पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, आई एम प्रिशा और आप देख रहे हैं अनकट। रेव पार्टीज वो पार्टीज होती हैं जिन्हें एक प्राइवेट वेन्यू जैसे कि वेयर हाउस, क्लब्स और फार्म हाउसेस पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। यूजुअली इस रेव पार्टी का स्टाइल 1990s के एरा से एसोसिएटेड है, जहां उस टाइम पर डीजेस इल्लीगल इवेंट्स में अपना म्यूजिक बजाते थे। अब जब इसका पर्पस ही इल्लीगल चीजें करना है तो जाहिर सी बात है इन पार्टीज में काफी इल्लीगल एक्टिविटीज होती हैं। स्नेक वेनम सांपों का हाईली टॉक्सिक सलाइवा होता है, विच कंटेन्स ज़ूटॉक्सिन्स, जो रेप्टाइल्स के अंदर उनके शिकार का डाइजेशन और इमोबिलाइजेशन आसान करता है। स्नेक वेनम को एज अ रिक्रिएशनल ड्रग यूज करना एक बहुत ही अनकॉमन प्रैक्टिस है और ये एक बहुत ही डेंजरस एक्टिविटी साबित हो सकती है, विच हैज लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क्स। 2018 की स्टडी स्नेक वेनम यूज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ओपियोइड्स के मुताबिक रेप्टाइल को किसी भी ह्यूमन के फीट या टंग को बाइट कराया जाता है ड्यूरिंग देयर रिक्रिएशनल यूज इन इंडिया। ये स्टडी इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी फिजियोलॉजी में पब्लिश हुई थी, जहां एक टीनेजर का स्नेक वेनम से एडिक्शन और रेव पार्टीज ऑर्गेनाइज करने की तलब पर एक केस स्टडी चल रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्नेक वेनम्स कितने ही डेंजरस होंगे। 2018 की स्टडी शोड कि कैसे जब एक टीनेजर को सांप ने उसकी टंग पर बाइट किया था तो उस टीनेजर को पहले 4 घंटे बहुत लेजी फील हुआ, जिसके बाद वो बहुत खुश महसूस करने लगा और उसके बाद उसके अंदर एक इनहैंस सेंस ऑफ वेलबींग थी। साथ ही उसके अंदर सोने का डिजायर जो था वो बहुत ही कम हो गया था फॉर अ वीक। जैसे ही स्नेक वेनम आपकी बॉडी में इंजेक्ट होता है, इट रिलीजेस एक्टिव मेटाबोलाइट्स सच एज सेरोटोनिन, ब्रैडिकिनिन, पेप्टिडाइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिंस और भी काफी सारे स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जिनके अंदर बहुत से साइकोट्रोपिक इफेक्ट्स इंक्लूडिंग हिप्नोटिक एंड सेडेटिव प्रॉपर्टीज मौजूद होते हैं। स्नेक बाइट के कुछ कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड करते हैं एन इंक्रीज सेंस ऑफ वेलबींग, लेथार्जी, देखने में धुंधलापन, डिजीनेस और बहुत ही इंटेंस एक्साइटमेंट या एंथुसियाज्म। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, लास्ट ईयर मेनका गांधी की ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम PFA है, उन्होंने एल्विश यादव पर स्नेक वेनम कंटेन करने वाले ड्रग्स एक रेव पार्टी में सप्लाई करने का एलिगेशन लगाया था। इस ऑर्गेनाइजेशन के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने एल्विश यादव के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन भी फाइल की थी कि कैसे एल्विश यादव सांपों के साथ दिल्ली NCR के फार्म हाउसेस पर वीडियो शूट करवाते हैं और साथ ही इल्लीगल तरीकों से इन पार्टीज में कोबरा और उनके जहर का इस्तेमाल होता है। इस केस में राहुल गुप्ता, जिन्हें नोएडा पुलिस ने अरेस्ट किया था, उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गया था जिसमें वो PFA मेंबर को ये बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने एल्विश यादव की पार्टी में ड्रग्स पहुंचाए थे। और काफी जांच पड़ताल के बाद पुलिस को राहुल यादव के पास 20 ml जहर भी मिला था। इसी केस में पिछले महीने एक नया अपडेट सामने आया था, जहां नोएडा पुलिस को वो वेनम जो उन्हें एल्विश यादव के साथ गिरफ्तार हुए 4 सपेरों से मिला था, इसके FCL रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें ड्रग्स में कोबरा की प्रजाति वाले सांपों का जहर मिला। एल्विश यादव ने इस पूरे केस में काफी वक्त तक खुद को इनोसेंट बताया और इसे उनका खुद पर कॉन्फिडेंस का हो या शाणापंती, उन्हें अपनी गिल्टी ना होने को लेकर इतनी श्योरिटी थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस से ये कहा कि इस केस में लगे आरोप अगर 1% भी सच प्रूफ किए जाते हैं तो इस केस का पूरा जिम्मा उठाने के लिए एल्विश तैयार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि कैसे लोगों और पुलिस को बिना किसी सबूत के उनका नाम आरोपियों के साथ लेके उनका नाम खराब नहीं करना चाहिए। 17 मार्च रविवार की सुबह नोएडा पुलिस एल्विश यादव को ना सिर्फ अरेस्ट करके जेल ले गई, बल्कि उनसे ये एक्सेप्ट भी करवा लिया कि वो रेव पार्टीज में स्नेक वेनम सप्लाई करते थे। इस अनएक्सपेक्टेड कन्फेशन ने एक काफी सीरियस लीगल इम्प्लिकेशन डाल दिया है ऑन एल्विश यादव, क्योंकि अब उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, पर्टिकुलरली अंडर सेक्शन 29, जो ड्रग रिलेटेड कॉन्स्पिरसीज इन्वॉल्विंग बाइंग एंड सेलिंग को एड्रेस करता है, वो उन पे लगाया जाएगा। एंड यूजुअली इस लॉ के अंडर बेल ले पाना काफी मुश्किल होता है। जब ये केस शुरू हुआ था तब एल्विश ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मेनका गांधी के अगेंस्ट कई बातें लिखी थी और खुद को बेकसूर बताया था।
और उनके घर पर स्नेक्स का पाए जाना उन्होंने सिंगर फाजिल पुरिया के नए गाने पर डाल दिया था। साथ ही उन्होंने मेनका गांधी से उनसे माफी मांगने का ऑर्डर भी अपने सोशल मीडिया पर दिया था। ये इन्फ्लुएंसर काफी टाइम से पॉपुलर तो हैं, मगर अपनी आड़ी टेढ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज के लिए ये इल्जाम और डिफेंस का सिलसिला तो मानो आम बात हो चुकी है फॉर एल्विश यादव। एल्विश फिलहाल नोएडा पुलिस द्वारा अरेस्ट हो चुके हैं और उन्हें 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में रखा गया है। इस केस में फिलहाल एल्विश के परिवार वालों की तरफ से कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। वो यूथ जो एल्विश जैसे लोगों को अपना यूथ आइकन मानता है और उन्हें ब्लाइंडली इंस्टाग्राम पर फॉलो करता है, वो भी फिलहाल अपने इस आइडियल के एक्शंस को लेकर शॉक्ड हैं और चुप बैठे हैं। साथ ही वो मीम पेजेस जो एल्विश को ट्रोल करते हैं, उनके पास एक महीने का कॉन्टेंट स्टॉकअप हो चुका है जो एल्विश को बदनाम करेगा, वो भी लाइफ लॉन्ग। एल्विश यादव के इस वक्त इंस्टाग्राम पर 16.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये वही लोग हैं जो एल्विश जैसे लोगों को आइडियलाइज करते हैं और उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। एंड पर्सनली फॉर मी इट्स वेरी अलार्मिंग। इस केस में आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अनकट।